नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन कैन हियर नो साउंड ऑन दी मून, मून को जो दीजिए तो सीढ़ी की साउंड सुबह जी बनी बिकॉज ऑफ डैश। ऑप्शन ए मून हैज अ लो मास, ऑप्शन बी मून हैज अ लो टेम्परेचर, ऑप्शन सी मून हैज नो एटमोसफियर, ऑप्शन डी मून हैज नो ग्रेविटी। सो बेसिकली इफ यू सी मून, मून हैज नो एटमोसफियर, ऑप्शन सी हब करेक्ट, एंड से साउंड शब्द सुबह जी बनी। सो साउंड लाइट ये सब गोटे गोटे वेव था, कौन से भी वेव को गोटे जगार आ गोटे जगह जावाई जदि मीडियम दरकार पड़ू ताले से टाइप रो वेव को आम मेकानिकल वेव कही था, जमी साउंड वेव, सीस्मिक वेव, ये सब जाक होती मेकानिकल वेव, माने एठू से जावाक गोटे माध्यम दरकार अदरवाइज जीवेनि। हाउएवर लाइट वेव से वैक्यूम रे भी जापर, तो इट इज नॉट अ मेकानिकल वेव। सो दैट इज वन पार्ट कि ना साउंड को ही कौन पर रिलेट कर बिकॉज साउंड इज अ मेकानिकल वेव, ताको एटमॉस्फेयर दरकार आग को ट्रांसमिट हाबापी, तो मून रे हमको किसी भी सुबि बने वाई बिकज ये किसी एटमॉस्फेयर नहीं, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग कि मून रे एटमॉस्फेयर कौन पर नहीं, वाई इज इट दैट मून हैज नो एटमॉस्फेयर। एज यू नो मून रो साइजटा बहुत ही स्मॉल, मून रो साइज बहुत ही स्मॉल, तापरे मून पाखे किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं, जमी आम अर्थ चारिपटे गोटे मैग्नेटिक फील्ड अच्छे विच इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो जो सोलर डस्ट अच्छी सोलर जो विंडस अच्छे ताको से कौन करे ना ए जगह ट्रैप करना रखीदे, जहाँ को आम वैन एलन बेल्ट कही था, वैन एलन बेल्ट। तो अर्थ चारिपटे आम एटमॉस्फेयर प्रिजर्व होना रोए, वाई बिकज आम गोटे मैग्नेटिक फील्ड अच्छे जेकि सोलर हार्मफुल विंडस रू अर्थ एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करना रखे। ऑन दी अदर हैंड मून इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, आ मून पाखे एमती किसी स्ट्रंग मैग्नेटिक फील्ड ना, तो जितको भी सोलर विंडस अच्छा से मून रचाकुचा जहाँ भी एटमॉस्फेयर थी ताको डिस्ट्रॉय कर सारी, से मून रे एटमॉस्फेयर ना। आ गोटे एविडेंस आप देखिपर कि मून रे बहुत गुड़ाक क्रेटर्स बनी है, मून रे जदि सरफेस देखिए तो इट विल बी सम व्हाट लाइक दिस, ए टाइप खाली क्रेटर ही क्रेटर अच्छे चारिपटे गड्ढा ही गड्ढा, कौन पर मून रो किसी एटमॉस्फेयर ही ना, ना ही मैग्नेटिक फील्ड अच्छे, ठीक अच्छे। सो आई होप आपको पूरा पूरा पार्टा बुझी आस। नेक्स्ट को जीवा, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इन अ बॉक्स ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम वैरीज एट डैश। तो आइडियल गैस देखिए, आइडियल गैस पर इक्वेशन हो पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, तापरे कही कि ना वॉल्यूम हो फिक्स्ड, सो वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर भितरे कौन रिलेशन हम, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डायरेक्टली विथ टेम्परेचर, बाकी सब भूल अच्छे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीव, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग पोलराइजेशन, पोलराइजेशन कौन अच्छे, सो पोलराइजेशन माने कौन कि गोटे पट को होगा, अंडरस्टैंडिंग गोटे पट को होगा या गोटे अलग साइड नहीं जावा कहते पोलराइजेशन। सो जदि आम नॉर्मल वेव्स रे देखा कि पोलराइजेशन इन द वेव्स कौन था, सो वेव्स गोटे डायरेक्शन रे मूव करुचे, पोलराइजेशन किंतु ए डायरेक्शन रे होची, माने कि से जो ता भितरे मॉलिक्यूल्स अछंती मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करुचंती मे बी ए डायरेक्शन रे अप डाउन डायरेक्शन रे, किंतु वेव ट्रांसमिट होची लाइक दिस, तो एई तरह पोलराइजेशन केमती है ना ट्रांसवर्स, ठीक अच्छे। सपोज मॉलिक्यूल रो वेव भितर जो मॉलिक्यूल्स अछंती से माने ए डायरेक्शन रे वाइब्रेट करुचंती आ वेव भी ए डायरेक्शन रे ही जाउचे, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। ये पचार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जदि आप देखिए तो वेवटा जदि ए डायरेक्शन में जाऊे ताल तार इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एमतीया थी, सो द मॉलिक्यूल्स विल वाइब्रेट लाइक दिस, आ तार मैग्नेटिक फील्ड थी एमतीया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, आउ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो व्हाट विल बी द पोलराइजेशन, यार बाकी जो वाइब्रेशन अच्छे से को डायरेक्शन रे होची, ऑब्वियसली ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, सो द आंसर विल बी ट्रांसवर्स। नेक्स्ट को जीवा, व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, सो जदि गोटे प्रिज्म रू व्हाइट लाइट पास करुच्छे ताले यार कौन हम, सो व्हाइट लाइट जब भी प्रिज्म रू पास करे तो से सातटा जाक कलर डिस्पर्स हो जाए, ये प्रोसेस को कहते डिस्पर्शन, ओके दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन, सेवन लाइट्स रे कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, अर्थस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर लैक ऑफ अ डैश, अर्थ रो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स केमती था, जदि आम अर्थ रे देखा अर्थ रहा हूँ नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, किंतु अर्थ गोटे बार मैग्नेट पर काम करे सच दैट जोटी साउथ पोल अच्छे से मैग्नेट रो नॉर्थ पोल बनब, आ जोटी नॉर्थ पोल अच्छे से मैग्नेट रो साउथ पोल बनब, माने एक्जाक्टली अपोजिट पोल्स, ठीक अच्छे। जोटी आम अर्थ रो ज्योमेट्रिक नॉर्थ अच्छे से मैग्नेटिक साउथ अच्छे, आ जोटी अर्थ रो ज्योमेट्रिक साउथ अच्छे से मैग्नेटिक नॉर्थ अच्छे, ठीक अच्छे। आदि आम या देखा बेसिकली इट इज अ डाइपोल, अंडरस्टैंडिंग डाइपोल,
अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर लाइक अ लाइक दैट ऑफ अ डाइपोल. अंडरस्टैंडिंग? तो मैग्नेटिक फील्ड केमती जाए नॉर्थ पोल रू साउथ पोल, तो लाइक दिस द लाइन्स आर देयर. गोटे बार मैग्नेट परीक्षा ही था, ठीक अच्छे. नॉर्थ पोल रू साउथ पोल सब बड़े भी मैग्नेटिक फील्ड आम जी नॉर्थ रू साउथ. ओके, सो इट एक्ट्स जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट. और बार मैग्नेट माने कौन? डाइपोल. सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में फर्दर आउ किसी क्वेश्चन डिस्कस करवा. इफ यू विश टू सब्सक्राइब टू अनअकाडमी प्लस सब्सक्राइब करने यूज करूँ मोर रेफरल कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ द टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकाडमी. थैंक यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे.